Assalamu alaikum ji, main cyclist hoon. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोरोना 19 में हर जगह साइकिलिस्ट पैदा हो गए हैं. मैं बिल्कुल कॉमन मैन की तरह साइकिलिंग कर रहा हूँ. ये देखिए मेरी 5 लाख रुपए की साइकिल. ये एक मिसकंसेप्शन है कि साइकिलिंग एक इलीटिस्ट एक्टिविटी बन गई है, क्योंकि जब आप साइकिल पे बैठते हैं आप पैसे नहीं देखते, आप साइकिल देखते हैं जो कि पैसों के साथ ख़रीदते हैं, बहुत सारे पैसों के साथ. हाँ, उसको देखो, उसके पास कितनी सस्ती साइकिल है, मेरी साइकिल सबसे महंगी है. लेकिन साइकिलिंग बिल्कुल भी एलिटिस्ट एक्टिविटी नहीं है. जी, साइकिलिंग बिल्कुल एक डेंजरस स्पोर्ट है, ख़तरनाक है, क्योंकि सबको पता है कि आजकल साइकिलिंग का जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ये है कि हम काले हो सकते हैं. जी, कोरोना वायरस भी एक ख़तरा है, लेकिन आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ें पे फोकस कर रहे हैं, तो मेन चीज़ ये है कि हम काले हो सकते हैं. मैं तो अपने साइकिल पे भी सन लोशन लगाता हूँ. ये मेरी साइकिलिंग की वाटर बॉटल है, ये 30,000 रुपये का है. इसमें होता है मेरा पानी. इसका डिज़ाइन ऐसा है कि बाहर जितनी भी गर्मी हो आपका पानी ठंडा रहेगा, अनलेस आप पाकिस्तान में हो, फिर ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है. महंगा टायर लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो आपका फेस नेचुरली एरोडायनामिक बन जाता है. यूँ जितना ज़्यादा आप पैसे लगाएंगे टायर्स पे, उतना आपका फेस एरोडायनामिक होगा. मैंने तो 1,50,000 के टायर्स लिए थे, तो देखिए मेरा फेस कितना एरोडायनामिक होता है. बुध को मैंने हैदराबाद तक साइकिलिंग की, और फिर जुमे रात और जुमे को मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, क्योंकि मैंने बुध को हैदराबाद तक साइकिलिंग की. एक्चुअली किसी ने मुझे समझाया नहीं था कि 12 घंटे लगातार साइकिलिंग करने से बॉटम्स में आउच हो जाता है. पिछले दिन एक गरीब को मैंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइकिल चलाते हुए देखी, मैं बहुत जालस हुआ. वो सीरियसली रॉकेट शिप चला रहा था, उसके दोनों साइडों पे यूँ रॉकेट्स लगे हुए थे, बहुत फास्ट जा रहा था. फिर किसी ने मुझे समझाया वो दूध वाला है. मेरा आगे वाला टायर 20 PSI पे है, मेरा पीछे वाला टायर 25 PSI पे है, और मेरे कानों के बीच में 30 PSI है. क्या इस वीडियो बनाने के बाद एलीट क्लास जो साइकिल चलाते हैं क्या वो मेरे पीछे आएंगे? क्या मुझे डरना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूँ, वो साइकिल में बहुत स्लो है. स्टूपिड.